इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान की तरफ से हिस्सा लेने गई कीमिया यूसुफी को तालिबान की वजह से ईरान में शरण लेनी पड़ी है। यानी थी वो अफगानिस्तानी, लेकिन क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया था, महिला थी, इस वजह से ईरान में जाकर उनको शरण लेनी पड़ी है और वो ईरान के रिफ्यूजी कैंप में ही है। कीमिया यूसुफी ने टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान की ध्वजवाहक थी, अपने देश का झंडा उठाकर वो चली थी, लेकिन अब तालिबान की वजह से उसे दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी है। तालिबान आतंकियों के डर से वो अपने देश नहीं लौटना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि महिला के नाते जिस तरह से वो खेलकूद में हिस्सा उन्होंने लिया, उसके चलते उनको जान गंवानी पड़ सकती है और यही डर है। और इसी डर के वजह से उन्होंने अपने देश के बजाय पड़ोसी मुल्क ईरान को चुना, जहां पर रिफ्यूजी कैंप में इस वक्त वो मौजूद है। बात करेंगे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, ये जो डर है हर किसी के अंदर नजर आता है, आपने उस डर को बहुत सामने से देखा है, बताइए इस बारे में। अमित, यहाँ पे वो लोग हैं जो कि अफगानिस्तान नेशनल हैं। जब ये आप फोटो देखती हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सनल की, जो वहाँ पे जो मैम ये इस समय आप देखें तो यहाँ पे जितने भी अफगान नेशनल हैं वो यहाँ पर हैं। और अमित, सबसे बड़ी ये बात है कि सभी को इसी बात का डर है कि अभी आगे की सिचुएशन क्या होगी, और इसी को देखते हुए अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ ये अलग अलग जगहों पर हैं। ये ठीक सामने पहले अफगानिस्तान एम्बेसी पे थे और अब यहाँ पर यहाँ पहुँचे हैं। मैम, ऐसा कुछ है क्या? मनीष कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उनसे वो बात करें और उनसे खुद जाने कि किस तरह से वहां पर डर और खौफ का माहौल है। मनीष, आप कोशिश कीजिएगा बात करने की, लेकिन आप तो खुद बता सकते हैं क्योंकि आपने खुद देखा है कि वहां पर लोगों के अंदर कितना डर है तालिबान को लेकर, खासतौर पर महिलाएं जो वहां पर सिंगर है, कलाकार है, या फिर वो आर्टिस्ट है या फिर प्लेयर है, आखिरकार उनको भागना पड़ रहा है। एक फुटबॉलर को हमने देखा है किस तरह से जान बचाने के लिए प्लेन से लटकना पड़ा और वहां से गिरकर उनकी मौत हो गई। और यही तस्वीर लगभग पूरे अफगानिस्तान की है। अमित, जो आपने तस्वीर देखी फुटबॉलर की देखी, साथ में जिन्होंने ओलंपिक में टॉर्च बियर किया, उनको छोड़ के दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी, कितना बड़ा डर, कितना बड़ा खतरा है ये? डर से खतरा से गई ना, भाग गई, डर से खतरा से गई, क्योंकि तालिबान नहीं मानती फुटबॉल, स्पोर्ट्स कुछ नहीं मांगती, मीडिया, जर्नलिस्ट, आज़ादी कुछ भी उसकी पता नहीं उनके लिए, उनके लिए मायने नहीं रहती है, कुछ सब भगना पड़ेगा तो क्या करे, अपनी जान को बचाती है। क्या क्या बंदिशें हो गई अब? हाँ, कुछ बंदिशें तो अभी सारे बंदे फिलहाल तो सारे बंदे हाँ। वो कह रहे के जर्नलिस्ट आके आ सकते हैं पर भी मारते हैं। अपने अपने देखा एक जर्नलिस्ट को, एक कैमरामैन को मार दिया ना, शायद टीवी भी देखा आपने। वो कह रही कि जर्नलिस्ट हमें कोई काम ही नहीं, फिर भी मारती है उनको, फिर भी मार दिया। तालिबान पे आप विश्वास कर सकती हैं? जो स्पोर्ट्स पर्सनल हैं वहाँ के, जिन्होंने ओलंपिक में टॉर्च बियर किया, फ्लैग उठाया, वो ही दूसरे देश में जा रहे हैं, फुटबॉलर है वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से? हाँ, ये जो तालिबान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और उसकी जान खतरे में है। सब जो फुटबॉलर है, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, सब लोग वहाँ पर उसका जान खतरे में है। क्या क्या बंदिशें हैं वहाँ पर कि आप सफ़ेद कोई नहीं पहन सकते और जो फ्लैग है वो नहीं लगा सकते, जो आप अपना फ्लैग नहीं उतार सकते, और जेंट्स को कहा जाता है कि दाढ़ी रखो, दाढ़ी शेव मत करो, और कह रहे हैं कि जीन्स मत पहनो, औरतों को कह रहे हैं कि बुर्का पहनो, ऐसे तो नहीं जी सकते अफगान लोग वहाँ पर। अमित, ये वो लोग हैं जो कि इस समय अलग अलग जगहों पर एम्बेसीज के जा रहे हैं। दरअसल प्रॉब्लम इस बात की है कि जिन बातों को लेकर ये यहाँ पर आ रहे हैं, और बैक होम इनके बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि वो भी इस परिस्थिति से निकल पाए। आपको लोग कॉल कर रहे होंगे वहाँ से, क्या कह रहे हैं फोन करके, जहाँ से आप, जिस प्रोविंस से हैं? वहाँ से पहले तो बात ही नहीं होता है, अगर होता है बहुत कम नेटवर्क वहाँ पर ज़्यादा इशू कर रहा है, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डरावना माहौल है, बहुत लोग डरते हैं। छोटे बच्चे हैं आपके, और वहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके परिवार के लोग भी फोन कर रहे होंगे हमें निकलना है, जो तस्वीरें दिख रही हैं हमें निकलना है, हमें कैसे निकल ले, अगर इंडिया मदद करे हम फैमिलीज को कि हम अपने फैमिली को यहाँ पर लाइए।
ये तस्वीर इस समय अफगानिस्तान के उन लोगों की है जो कि अपना दुख दर्द लेकर यहाँ पर हैं। दरअसल इनको लगातार SOS कॉल्स आ रहे हैं वहाँ से, जो अभी सिचुएशन बन रही है काबुल, हेलमंड, कोस्ट, कुंडूज, इन सभी एरियाज की वो कोशिश कर रहे हैं। मैम, जो स्पोर्ट्स पर्सनल हैं बड़े बड़े, उन लोगों के खिलाफ एक तरीके से तालिबान खड़ा हो गया है और उन्हें जान बचा के दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ रही है। लगता है जिन्होंने ओलंपिक में झंडा लहराया अब वही अपनी जान बचा। ऑब्वियसली तभी तो आपके सामने बहुत सारे वाकयात आए हैं कि एक ने अपने आप को प्लेन से गिराया, दूसरा ईरान में गए हैं यूनिसीआर के पास, तो सभी यही क्योंकि वो जाने माने चेहरे हैं। जो बाकी लोग घर के अंदर ही जाने माने सब इनको जानते हैं, इनको आइडेंटिफाई करके सबको खत्म करना चाहते हैं। तालिबान जो कह रहा है कि आप ख्याल रखिएगा, लग सकता है आपको क्या क्या बदलाव हो जाएगा? ऐसा कुछ मनीष आपने डायरेक्ट हमें वो मैसेज दे दिया है, वो संदेश पहुंचा दिया है खुद उन अफगान नागरिकों से जो खुद भुक्तभोगी हैं तालिबान का, जिनके परिवार तालिबान के भुक्तभोगी हैं। ये हम नहीं कह रहे या कोई और नहीं कह रहा है, ये सीधे अफगान के नागरिक ये बता रहे हैं कि तालिबान कितना खूंखार है, कितना क्रूर है कि, और उसके डर के वजह से आप देखिए खिलाड़ियों को देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो देश की आन बान शान के लिए खेल के मैदान में उतरते थे उनको जान बचा के भागनी पड़ रही है। कोई मुल्क किसी और मुल्क में जाके वहां पर शरण ले रहा है और कोई ऐसा भी है जो खुद को बचाने के लिए प्लेन से लटक जाता है और अपनी जान तक दे देता है। तो ये वो तस्वीर है और ये वो बातें हैं जो सीधे मनीष ने हमें पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।